तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऑथर हमें फिर से जेमिना स्टूडियो के बारे में बताते हैं कि जेमिना स्टूडियो को विजिट करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस पोइट्स आते रहते थे। वहाँ पर एक मैस भी थी जहाँ पर वो लोग डिनर करते थे और मैस में बहुत ही अच्छी कॉफ़ी मिलती थी दिन में भी और कभी कभार नाइट में भी। वहाँ पर वो लोग चिल आउट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जाते थे। वो 1950s के ईयर के अप्रॉक्स से जहाँ पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस टाइम कंट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो कांग्रेस के जो रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाले थे। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ मैस में बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पॉइंट्स के लिए रिलैक्स होने के लिए। ऑफिस मैन और कुछ क्लर्क को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ पर आते थे। वहाँ पर जो लोग थे जेमिना स्टूडियो के, वो लोग गांधी जी को फॉलो करते थे और खादी कपड़े पहनते थे। वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन वो सिर्फ उनको फॉलो करते थे, उनका कोई भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं था। इसलिए वो लोग कम्युनिज्म को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कम्युनिज्म मीन्स जहाँ पर गवर्नमेंट पूरा रूल करती है, वहाँ पर काम करने के लिए लोगों को वेजेस देते हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर पूरी गवर्नमेंट के पास ही होती है। तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे जेमिना स्टूडियो में वर्क करने वाले लोग, क्योंकि उनका मानना था कि जो कि कम्युनिज्म होता है, यानी एक कम्युनिस्ट जो होता है उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती लोगों की, वो लोगों से बिल्कुल ज़्यादा प्यार नहीं करते, उनको मारने में भी हेजिटेट नहीं करेंगे, इवन वही सबसे ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए वहाँ के लोगों को कम्युनिज्म बिल्कुल नहीं पसंद था। ये एक अफवाह थी जो कि साउथ इंडियन से पहले भी आ रही थी, जो कि कई पॉइंट पर सच भी थी। अब इसका प्रॉपर एविडेंस क्या है उसके बारे में ऑथर हमें कहते हैं कि बाद में आपको पता चलेगा आगे वाले इंसिडेंट्स में। उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि फ्रेंच बचपन की जो एक एमरे आर्मी थी वो आई थी जेमिना स्टूडियो को विजिट करने के लिए। उनको भी जेमिना स्टूडियो ही सबसे एक ऐसा प्लेस लगा था जहाँ पर उनको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए। वहाँ पर जेमिना स्टूडियो के लोगों ने अप्रॉक्स उस आर्मी में 200 लोग थे, उन सभी का बहुत अच्छे से वेलकम किया। वो लोग कुछ एक्ट परफॉर्म करते थे, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता था कि ये कोई इंटरनेशनल सर्कस की टीम है, लेकिन ऑथर हमें बताते हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उनको तो ट्रैपेस करना भी नहीं आता था, जो लोग सर्कस में ऐसे हंग करके घूमते उनको तो वो भी नहीं आता था सही तरीके से। इवन वो एनिमल से तो डिनर टेबल पर ही मिलते थे, इट मीन्स वो सिर्फ नॉनवेज खाते थे, तो एनिमल्स से उनका डिनर टेबल पे मिलना ही होता, लेकिन सर्कस में के लोग तो एनिमल्स के साथ भी बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं, तो ये इंटरनेशनल सर्कस की टीम नहीं थी। उसके बाद अमेरिका की आर्मी में कुछ प्लेस परफॉर्म किए थे जो कि बहुत ही प्रोफेशनली परफॉर्म किए थे, जिसे जॉथम वैली के नाम से बोला गया था। और वो प्ले जो था सभी लोगों को, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, मद्रास के या तमिल के, उन सभी लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि सब लोग उसे बार बार देखना चाह रहे थे। वहाँ पर जो कॉस्ट्यूम यूज़ हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली कॉस्ट्यूम यूज़ हुए थे, और उस प्ले में जो सनराइज एंड सनसेट का सीन दिखाया गया था वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसके बाद जितने भी प्ले हुए, चाहे तमिल के हुए हो चाहे किसी भी चीज़ के, वहाँ पर जो सनराइज और सनसेट का सीन लिया गया था वो उसी प्ले से ही लिया गया था। तो एमआरए आर्मी जो थी वो यूजुअली इंटरनल कम्युनिज्म के अपोज में थी, यानी वो उसी अपोजिशन के लिए ही बनी थी, उसी अपोजिशन के रिगार्डिंग ही प्ले करती थी। उनके जो मॉरल्स थे वो बहुत ही छोटे होते थे और बहुत ही ईजियर होते थे, और उनका जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अपोज था उसको सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते थे और बहुत ज़्यादा साथ भी देते थे। जो बॉस थे वहाँ के, जो बड़े बड़े लोग थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सभी लोग इस आर्मी के साथ थे, क्योंकि जैसा कि कहा गया था कि कम्युनिज्म में सभी लोगों को बहुत ही इक्वली ट्रीट किया जाता है और गवर्नमेंट ही रूल करती है। तो जो बड़े बड़े बॉसेस थे, यानी जो जेमिना स्टूडियो के भी फाउंडर थे मिस्टर वॉसन, और जो दूसरे लोग थे उनको भी सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था, इसलिए वो लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। लेकिन ऑथर में बताते हैं कि ऐसी आर्मी बनी चाहे ना हो, इंटरनल कम्युनिज्म के अपोज कोई जाए या ना जाए, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं इनका कम्युनिज्म से भी कुछ नहीं होने वाला, ये जहाँ हैं वहीं रहेंगे, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि जो जेमिना स्टूडियो की ऑडियंस थी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था होस्ट करके उस आर्मी के 200 मेंबर्स को। वो उनका एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, अलग अलग नेशनलिटी के लोगों को फेस करने का। कुछ लोग स्किन टोन में फ़र्क था, कुछों की हाइट में भी फ़र्क था, जो कि उनकी डेली लाइफ से बिल्कुल अलग था। डेली लाइफ में वो उस क्राउड को फेस करते थे जो कि वेट कर रही होती थी कि कब मेकअप मैन आएगा और उनका अच्छा सा मेकअप करेगा या अच्छा सा उनको तैयार करेगा। तो ये सब कुछ उनके लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग था।
फिर ऑथर में बताते हैं कि जो बड़े बड़े लोग थे यानी मिस्टर वॉसन और जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके टेलीफोन पे कुछ रिगार्डिंग बात हुई थी और ये सुनने में आया था कि कोई इंग्लैंड से आ रहा है। वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को ये तो पता था कि कोई इंसान इंग्लैंड से आ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कौन है। उन्होंने जिन जिन के नाम सोचे थे, जिनको वो जानते थे, उनकी अजम्पशन वहीं तक थी और जो फेमस एंथुसियास्ट थे उनको भी नहीं पता था कि कौन वहाँ से आ रहा है। फिर उनको लगा किसी से बातों से, उन्होंने सुना था कि कोई एडिटर है जो कि न्यूज़पेपर के एडिट करता है, जो कि एज ए ड्राफ्ट करता है। तो ऑथर भी यही सोच रहे थे कि या तो वो एडिटर है या पोइट है, लेकिन किसी को भी कुछ क्लियर नहीं था। उन्होंने फेमस फेमस एडिटिंग कंपनी के नाम लिए, लंडन टाइम्स लिए, उनको ये तो श्योर था कि वे वहाँ का एडिटर नहीं है, लेकिन ये फिर है कौन। और जब वो आया था तो जो भी सेट के जो स्टेज था उसको हटा दिया गया था, मतलब जो शूटिंग स्टेज था, ताकि वो उनका बहुत ही अच्छा वेलकम कर सके। तो जब वो आया था इंग्लैंड से तो उसका वेलकम करने के लिए बहुत ही अच्छी एडिटिंग कंपनीज के लोग आए थे और वहाँ मौजूद जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने भी बहुत अच्छा वेलकम किया उनका। उसके बाद जो मिस्टर वॉसन है उन्होंने अपनी स्पीच देना स्टार्ट करी। उनकी स्पीच से ऐसा लग रहा था कि उनको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है इस पोइट या एडिटर के बारे में, यानी ऑथर अभी भी कन्फ्यूज़ है कि वो एक पोइट है या एक एडिटर है। उसके बाद वो अपने स्पीच में कुछ फ्रीडम या कुछ ऐसे डेमोक्रेसी की वर्ड यूज़ कर रहे थे। उनके स्पीच ओवर होने के बाद उस इंग्लैंड से आए हुए इंसान को बुलाया गया। जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, उनके ब्रिटिश एसेंट के थ्रू उनका जो वे था वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लोग बिल्कुल कन्फ्यूज हो चुके थे, उनको नहीं पता चल रहा था कि ये यहाँ क्यों आया है। एक इंग्लिश मैन जो कि देखने से बहुत ज़्यादा सीनियर और लग रहा है कि वो एक फॉरेनर है, वो यहाँ पर क्यों आया है, मतलब जेमिनी स्टूडियो में जहाँ पर तमिल फिल्म बनाई जाती है वहाँ पर ये क्या कर रहा है। जैसा कि वो इंग्लैंड से आया हुआ पर्सन जब स्पीच दे रहा था तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सभी लोग ये सोच रहे थे कि वो इंग्लिश में क्यों बोल रहा है जब उसे पता है कि यहाँ तमिल फिल्म बनाई जाती है, यहाँ पर किसी लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसकी जो एंट्रेंस थी वो एक बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बन गई थी, मतलब लोगों को पता ही नहीं चला कि उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया था। और वो भी इतनी साइलेंट ऑडियंस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था, यानी शायद उसने कभी पहले ऐसी ऑडियंस को नहीं देखा होगा। उसके बाद ऑथर सीन चेंज करते और एक नया टॉपिक इंक्लूड करते, एक नया इंसिडेंट। ऑथर हमें बताते हैं कि ये जो स्टोरी राइटिंग होती है, यानी जो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी होती है, इनको कोई भी एक इंटेलिजेंट पर्सन नहीं लिख सकता, क्योंकि इसे सिर्फ वही इंसान लिख सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो। कोई भी जेन्युइन पर्सन स्टोरी को लिखेगा तो बार बार एक ही स्टोरी को कंटिन्यू करके वो बोर हो जाएगा। ऑथर का ये मानना था कि बहुत सारे राइटर्स इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है कि स्टोरी लिखने वाला बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होना चाहिए। जस्ट बिकॉज उसकी स्टोरी जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी ही जाए, मे बी उसके रिजेक्ट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उनको फिर से बनानी होती। कई बार जब वो स्टोरी न्यूज़पेपर एडिटर्स को देते हैं तो वो लोग उसे रिटर्न कर देते हैं। ऐसे राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस होना ज़रूरी होता है। तो कोई भी जेन्युइन या कोई भी जीनियस पर्सन इस स्टोरी को नहीं लिख सकता। इन्हीं सब चीज़ों को, यानी ऐसे ही राइटर्स को देखते हुए, जो हिंदू पब्लिकेशन है उन्होंने ब्रिटिशर्स के थ्रू एक चीज़ लॉन्च करी थी, इनकाउंटर, जिसके बारे में जेमिनी स्टूडियो को कुछ भी नहीं पता था। वो इतने ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं थे और जो ऑथर थे वो खुद जानना चाहते थे कि ये इनकाउंटर क्या है, क्योंकि वो अपनी पोइट्री, अपनी स्टोरी इंग्लैंड में बेचने से पहले, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड होने वाली थी, तो उस पर बेचने से पहले वो खुद जानना चाहते थे कि इनकाउंटर क्या है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते थे। और ऑथर जब उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो ब्रिटिशर्स के यहाँ पर जो लाइब्रेरी थी, वहाँ लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी थी उसको विजिट करने के लिए जाते हैं। उस टाइम पर लाइब्रेरी की एंट्री बहुत ज़्यादा सिंपल थी, कुछ ज़्यादा साइन बोर्ड्स नहीं थे उस टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर जा चुके थे, तो उनके एंट्री बहुत ही इजी तरीके से हो गई थी। और वहाँ पर वो कुछ कॉपीज़ देखते हैं और जब वो उन कॉपीज़ पे एडिटर का नेम देखते हैं तो उनके जो दिल में एक बैल बज जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो एडिटर वही था जो कि इंग्लैंड से आया था एज ए पोइट जेमिनी स्टूडियो में। उसको ऐसा लगता है कि कोई लॉन्ग लास्टिंग ब्रदर, यानी कोई मेरा भाई हो जो कि मुझे अब मिल चुका है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते जब वो अपनी स्टोरी पर सील डाल के मेल कर रहे होते उस पोइट को, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग गा रहे होते हैं और उनको ऐसा लगता है, एज ए कॉमिक स्टाइल में वो बोलते हैं कि शायद वो भी जब मेरा मेल रिसीव करेंगे तो वो भी कोई ना कोई गाना गा रहे होंगे। उसके बाद वो एडिटर का नेम बताते हैं, स्टीफन स्पैंडर। और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद फिर हमें ये बताते हैं कि जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था तब उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो था लेकिन पैसे नहीं थे।
उसके बाद ऑथर को एक मद्रास माउंट रोड पर कुछ बुक्स दिखती है फुटपाथ पर, जो कि बहुत ही लो प्राइस पे मिल रही होती है, क्योंकि वो लोग रशियन रिवॉल्यूशन के कुछ इयर्स कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो वो 50 पैसे की मिल रही होती है। और उस टाइम पर ऑथर के पास 50 पैसे थे, इसलिए वो एक बुक ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, और उस बुक का टाइटल भी कुछ इसी प्रकार था कि जिस टाइटल से ऐसा लग रहा था कि पहले तो लोग जो थे कम्युनिज्म के बहुत ज़्यादा फेवर में थे, उसे गॉड मानते थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि कम्युनिज्म सही चीज़ नहीं है। वहाँ पर 6 फेमस राइटर ने बहुत ही अलग अलग एसेज लिखे थे, और वो ऐसे जो थे वो भी कम्युनिज्म के रिगार्डिंग ही थे। और वहाँ पर जब वो स्टेफन स्पेंडर का नाम पड़ता है, तो जब वो स्टेफन स्पेंडर का नाम पड़ता है तो उसके लिए वो बुक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसके लिए यानी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पॉइंट को क्यों बुलाया गया था उस टाइम पे जेमिनाई स्टूडियो में। वहाँ के बॉस को उसकी पॉइट्री से लेना देना नहीं था, क्योंकि वो कम्युनिज्म के अपोज में था, इसलिए उसे वहाँ पर बुलाया गया था। ये सब चीज़ें ऑथर को धीरे धीरे क्लियर हो चुकी होती है। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। हमारा फर्स्ट कीवर्ड है इनकैंडेसेंट, मतलब ग्लो करना। सेकंड है परवर्ट्स, मतलब करप्ट। थर्ड वन इज स्टेबल, जहां पर हम हॉर्सेस को रखते हैं। फोर्थ वोस, मतलब बहुत बड़ा संकट। नेक्स्ट इग्नोमिनी, मतलब शेम या फिर बदनामी। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिज्म, इट मीन्स कि जो भी सारी प्रॉपर्टी होती है वो एक कम्युनिटी और वो गवर्नमेंट ओन करती है, और वहाँ पर जो भी वर्क करते हैं उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इस चैप्टर के। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है हमारा, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। मतलब मेकअप डिपार्टमेंट में जिन भी एक्ट्रेसेस का मेकअप होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ में आती थी, और वो जो लाइट थी वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, उससे बहुत ज़्यादा पेन होता था, मतलब वहाँ पर एक्ट्रेस का जिनका मेकअप हो रहा होता है। तो ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट यूज़ होती थी वो बल्ब होते थे येल्लो कलर के, जो पहले के टाइम पर यूज़ आते थे। तो फायरी मिजरी को इसी पेनफुल एक्सपीरियंस से रिफ़र किया गया है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, What is the significance of the words poet and pancake? Poet and pancake के significance क्या है? Pancake तो एक makeup material है, वो brand जो कि जेमिनी स्टूडियो में use होती थी और बहुत ही large quantity में से मंगवाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो पहले की actresses थी वो इसी material को use करती थी, लेकिन उसके बाद ये बंद हो चुका था। और पोइट किस वर्ड के लिए यूज़ किया गया, जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग थे, कुछ लोग राइटर्स थे, कुछ लोग स्टोरी राइटर थे, पोइट्स थे, उन्हीं के बारे में ये रिफ़र किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द राइटर से अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन इन द स्टूडियो। मेकअप डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के लोग वर्क करते थे, एक कम्युनिटी का इंसान वर्क नहीं करता था, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी कास्ट के लोग वहाँ पे वर्क करते थे, और उनको हेड करने वाले भी अलग अलग लोग थे। पहले महाराष्ट्र ने हेड किया, देन बंगाल, देन तमिलनाडु के किसी पर्सन ने। तो यहाँ पर ऑथर हमसे ये कहना चाह रहे थे कि नेशनल इंटीग्रेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में पहले ही वो चालू हो चुका था, उस मेकअप डिपार्टमेंट के व्यूज़ को देख कर। नेक्स्ट है, वट वॉज द हायरार्की दैट वॉज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब क्या हायरार्की मेकअप डिपार्टमेंट में मेंटेन हो रही थी? सबसे फर्स्ट था जो चीफ मेकअप मैन था, वो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का मेकअप करते थे। देन सेकंड पे जो सीनियर मेकअप मैन थे, जो सीनियर असिस्टेंट थे, वो किसका मेकअप करते थे? जो सेकंड हीरो या फिर जो सेकंड हीरोइन जो रोल प्ले कर रही है उनका। जो जूनियर असिस्टेंट है वो वहाँ के जो भी कॉमेडियंस हैं उनका मेकअप करते थे। और देन जो क्राउड का मेकअप, जब हमें क्राउड की नीड होती थी तो उनका मेकअप करने के लिए एक ऑफिस बॉय रखा गया था। तो यहाँ पर भी एक हायरार्की मेंटेन होती थी। नेक्स्ट है, व्हाई वाज़ द लीगल एडवाइज़र रिफर्ड टू एज अपोजिट। ऐसे तो लॉयर को लीगल एडवाइज़र माना जाता था, लेकिन लोगों का कहना था कि वो लीगल एडवाइस से ज़्यादा इलीगल एडवाइस देता है, उसके कारण बहुतों के करियर भी खराब हुए। क्योंकि हमने इस चैप्टर में एक इंसिडेंस देखा था, जब वहाँ पर वर्क करने वाली एक एक्ट्रेस ने पूरे सेट पे कुछ बातें करी थी, सबको चिल्लाने लग गई थी, उसी चीज़ की रिकॉर्डिंग उस लॉयर ने कर ली थी, और बाद में जब वो एक्ट्रेस चुप हुई तो उसको उसी की रिकॉर्डिंग सुनाई गई,
उसके बाद उसे इतना शेम हुआ कि उसका पूरा करियर वहीं ख़त्म हो गया। उसने फिर से वापस से अपना करियर स्टार्टअप ही नहीं किया और उसने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। नेक्स्ट है द ऑफिस बॉय ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज नॉट ब्लेस्ड एज सुब्बू। एक्सप्लेन। जो ऑफिस बॉय था वो यहाँ कुछ सालों पहले ही आ चुका था इस उम्मीद में कि वो राइटर होगा, वो स्टोरी राइटर या कोई ना कोई एक्टर बनेगा, लेकिन उसको किस वर्क के लिए यहाँ रखा गया? सिर्फ और सिर्फ क्राउड के मेकअप के लिए। तो वो उस वर्क के लिए हैप्पी नहीं था। और अपोजिट में जो सिब्बू था वो जेमिनी स्टूडियो में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्च्यू ऑफ ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्राह्मण था तो उसकी लोगों के साथ अच्छी पहचान थी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है। जब उसने यहाँ एंट्री करी थी तो कोई भी फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण था तो उसका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था और इस कारण उसे जेमिनी स्टूडियो में एंट्री मिली, और जस्ट बिकॉज उसके आइडियाज़ भी बहुत अच्छे थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द राइटर्स डिस्कवर स्पैंडर्स आइडेंटिटी। जेमिनी स्टूडियो में जब कोई वो स्पैंडर मतलब इंग्लैंड से जो पॉइट आने वाला था, किसी को नहीं पता था कि वो क्यों आ रहा है, और जो लोग जानते थे कि कोई पॉइट है लेकिन वो इसका नाम नहीं पता लगा पा रहे थे, ना ही इनको जानते थे। फिर उन्हें पता चला कि कोई एडिटर है लेकिन वो एडिटर भी नहीं था। लेकिन एंड में जब इनकाउंटर बुक जो थी उसके लिए ऑथर जब लाइब्रेरी बुक्स में गए थे, वहाँ जब उन्होंने पता लगाया तो वहाँ जब उनको वो बुक मिली तब उन्होंने वहाँ पर एक एडिटर का नेम देखा और वो जान गए थे कि ये वही है जो कि इंग्लैंड से पॉइंट आया था हमारे जेमिनी स्टूडियो में। स्टेफन स्पेंडर उसका नेम था। तो ये थे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहीं से ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे इस चैनल में और भी दूसरे सब्जेक्ट अवेलेबल है, बिजनेस स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख